हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। नासा ने छोड़ा अगली पीढ़ी का मौसम उपग्रह। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अगली पीढ़ी के एक उपग्रह को लॉन्च किया है जो दुनिया भर के मौसम की निगरानी करेगा। इस सैटेलाइट से भेजी गई जानकारियों से मौसम के सटीक पूर्वानुमान में और सुधार आएगा। ज्वाइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम 1 JPSS-1 नामक इस उपग्रह को नासा और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने साझे तौर पर लॉन्च किया है। सैटेलाइट को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से सुबह के समय छोड़ा गया। JPSS-1 पृथ्वी के एक से दूसरे ध्रुव की 14 बार परिक्रमा कर दिन में 2 बार नासा को पृथ्वी के मौसम की जानकारी देगा। इस सैटेलाइट में कई आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया है। इससे वायुमंडल, भूमि, समुद्रतल के तापमान, ज्वालामुखी और तूफान की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकेगा। NOAA के तहत मौसम का सटीक अनुमान लगाने के लिए लॉन्च किए जाने वाले 4 अगली पीढ़ी की सैटेलाइटों में JPSS-1 पहला है। JPSS-1 के साथ नासा अपने एजुकेशनल नैनो सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत 4 छोटे सैटेलाइट क्यूबसैट्स को भी लॉन्च करेगा।